राम मेरे प्यारे युवानों की हलचल मजा मैं आपका हुई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज की पूरी वीडियो बनाने के लिए मैंने इन तीन क्लिप्स का यूज किया है। इन तीनों क्लिप्स को देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में यही कहेंगे दुर्गेश भाई मौज कर दी। उससे पहले आप लोगों का थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। अपना एक गेमिंग चैनल है जिसका नाम है गेमिंग डोपामाइन। तो आप में से जो भी मेरे प्यारे भाई बहन गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसका लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में दे रखा है। और यदि आप गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आपके जो मित्रगण हैं या आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते ही हैं। अगर वो किसी और की गेमिंग वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे कहिएगा कि अपने भाई की वीडियोस को देखें। आपको अपने चैनल में कोई भी गाली गलौज जैसी लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी तो उनका भी भला होगा और साथ ही साथ हमारा भी भला होगा। अभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाओ जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। अपने उस चैनल पर डेली 12 से 1 की बीच लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। अभी हम विशेष महत्व देते हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि हिंदुस्तान क्या कहना चाहता है। जय हिंद बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ मैं नसीम खान बदायूं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ ये मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, सारे कानून एक ही हो, सबके लिए एक हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट में गाय का गोश्त खाने की छूट है, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी हमें गाय के गोश्त की खाने की छूट मिले, एक सा कानून बने। गाय का गोश्त कुछ जगह पर सुअर का खाने की भी छूट है, आपको छूट चाहिए सुअर का गोश्त खाने की? फोन काट दिया। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। सत्य बोलता हूँ, जबान काट के कोई फेंक देगा फड़फड़ाते हुए भी सत्य बोलेगा। और सच का ही मोल है, ये आपको फैसला करना है, आपको निर्णय करना है। सरदार मनमोहन सिंह, आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात। कोई तुलना है ना सरदार ना असरदार। मुझे शक होता है कि सरदार भी है कि नहीं है, लोग नाराज होते हैं। राजीव गांधी कहता था कि 100 रुपए मैं भेजता हूं, गरीब के पास 10 रुपए पहुंचते हैं। तो कद्दू भुइया का प्रधानमंत्री है, 100 रुपए भेजता हूं तो 10 रुपए। नरेंद्र भाई कहते हैं 100 रुपए मुझे दो, मैं 110 रुपए गरीब के पास पहुंचाऊंगा। बोलो पहुंचा मैं। ये है महाराजा रंजीत सिंह है, नरेंद्र भाई मोदी। आज भी नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है, और कांग्रेस वाले कहते हैं हिंदुस्तान को सोनिया की चिड़िया बनाना है। ठोकर ठोकर ताली ठोकर, सच बोल रहा सत्य और झूठ की जंग, धर्म और अधर्म की जंग, डाकुओं और साधुओं की जंग। एक तरफ राजा भोज, दूसरी तरफ गंगू तेली। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी, दूसरी तरफ बगैर दूल्हे की बारात। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। सच बोल रहा हूं तो ठोको ताली। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। 10 साल नरेंद्र भाई मोदी के और 60 साल इस कांग्रेस पार्टी के, तराजू में तोल के देखो सोच को, कर्मों को, विचारों को, दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी। चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूरख की सारी रात, चतुर की 1 घड़ी, चतुर की। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को, जिसने स्वर्ग ना देखा हो वो देखे आके गुजरात को। और कौन कहता है ये इलेक्शन सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री का इलेक्शन है? मित्रों नहीं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इलेक्शन। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल। ठोको ठोको ताली ठोको।
10 साल पहले सड़क देखे थे गुजरात के, ये नहीं पता लगता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। कोई लुगाई को लेके मोटरसाइकिल पे जाता तो पीछे ही देखता रहता था, रह गई कि ढह गई। आज देखो सड़क। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी। 2013-14 में 5 लाख का आय जो व्यक्ति के पास था उसको 30,000 रुपया टैक्स में देना होता था, और आज वही व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख रुपया है उसे 0 रुपए टैक्स में देना पड़ता है। यह है मोदी टैक्स। 75 साल में जिन्होंने 75 वर्ष के आयु के हमारे बुजुर्गों का एक बार भी नहीं सोचा, आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष के आयु के लोगों का टैक्स 0 करके दे दिया है। यह है मोदी टैक्स। नौजवानों के लिए जो स्टार्टअप शुरुआत करते उनको 1 साल की रियायत दी गई थी, उस रियायत को 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। और जो छोटे लोग अपने घर खरीदते हैं होम लोन्स के लिए, जो 1.5 लाख रुपए की रियायत दी जाती थी उसको भी 1 साल और बढ़ाया है। यह है मोदी टैक्स। पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था, यह असलियत है कि दामे बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसकी राशि मिलती है उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है, लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते, अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर पेट्रोल और डीजल का। तो बस मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन और नीचे पिन कमेंट में दे रखा है। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो गेमिंग चैनल में जरूर इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनसे कहिएगा अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। किसी और को सपोर्ट करने से अच्छा है कि अपने ही किसी भाई को सपोर्ट किया जाए। तो चलिए मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर 12 से 1 की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।